69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की मामले में आपको बता दें कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में फैसला सुनाया जाएगा। तो अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आया तो प्रभावित हो जाएंगी भर्ती प्रक्रिया। वहीं आज से काउंसलिंग प्रक्रिया भी शुरू होगी, जहां जिला आवंटन की लिस्ट जारी हुई है और उस लिस्ट के बाद आज से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि 6 जून तक चलने वाली है। तो दो अहम दिन आज 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर, जहां पर आज इस मामले को लेकर एक तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई भी है, लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होगी, फैसला इस पर आएगा और कहीं ना कहीं प्रभाव इस फैसले का अभ्यर्थियों की जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर भी पड़ेगा। इसके साथ ही जो आंसर की है उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि जो काउंसलिंग है उसको लेकर कहा जा रहा है कि काउंसलिंग प्रक्रिया भी आज से शुरू होगी, क्योंकि 6 जून तक चलने वाली है। और चंदमणि शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। चंदमणि, आज का दिन 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को देखें तो दो महत्वपूर्ण मामले हैं। पहला, अगर हम देखें इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो फैसला आना है, क्या अनुमान उसको लेकर लगाया जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज काफी अहम दिन है, एक तरफ जहां काउंसलिंग की शुरुआत होनी है तो दूसरी तरफ जो कोर्ट का फैसला आना है आंसर की के मामले में, जहां तक कि विवाद बना हुआ है और पिछले कुछ तारीखों में इसको लेकर कोर्ट में सुनवाई भी हुई है जिसको लेकर फैसला रिजर्व कर लिया गया, तो आज फैसला आना है और आज के फैसले पर बहुत कुछ निर्भर करेगा आगे की प्रक्रिया। क्योंकि अगर कॉमन नंबर जो दिए जाते हैं अभ्यर्थियों को, अगर कॉमन नंबर दिए जाते हैं, 1 या 2 नंबर कॉमन नंबर दिए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी, जब अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी तो उन्हें आवेदन का भी मौका मिलेगा, तो ये तमाम जो स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं उससे मेरिट भी प्रभावित होगी। तो आज का दिन काफी अहम है कि कोर्ट का क्या फैसला आता है और कोर्ट जिस तरह से निर्णय लेगा उसी के अनुसार ही आगे की भर्ती प्रक्रिया होगी। जी चलिए, धन्यवाद आपका चंद्रमणि हमारे साथ जुड़ने के लिए।